हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो, मैं हूँ हनी। आज के वीडियो में मैं ही आपको बताने वाली हूँ स्किन को फेयर और वाइटनिंग बनाने का एक ज़बरदस्त घरेलू उपाय। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये नुस्खा 100% इफेक्टिव है स्किन को फेयर बनाने का। साथ ही ये लूज स्किन को भी टाइट करता है, चेहरे के ऊपर पोर्स को दूर करती है और साथ ही चेहरे को धूल मिट्टी से रिमूव करके चेहरे को साफ और प्योरीफाई कर देती है ये नुस्खा। सो इस नुस्खा में ऑल इन वन इफेक्टिव है। सो जरूर इस नुस्खा को ट्राई करना चाहिए। सो इस नुस्खा को देखने के पहले आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ चैनल को। साइड पे बेल आइकॉन एक घंटी देता है, उसको दबाने से आप मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मिस ना करते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी मैं आम से अपना फेस को कैसे गोरे करना मैं बताऊंगी। अभी इसके लिए हमें लेना चाहिए पका हुआ आम। आम का मौसम आ गया तो आम से काफ़ी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी तैयार किया हुआ है। तो आम अपना खाने के लिए, हेल्थ के लिए नहीं, अपना स्किन के लिए भी अच्छा है। अभी इस आम के इस्तेमाल से मैं फेस को गोरे करने में बताऊंगी। अभी हमें लेना है एक फ्रेश आम को लेना है। बेटर हमें लेना चाहिए रसाला, मतलब जूसी वाले मैंगो ही लेना चाहिए। मैं अभी रसाला एक ले चुकी हूँ। अभी इसको कट करके इसके अंदर जूस निकाल देती हूँ। आम का जूस को हमें ऐड करना चाहिए क्योंकि आम का जूस में हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है, विटामिन सी भी रहता है मैंगो में। तो बिल्कुल इस तरह मैंगो का जूस को हमें ऐड करना है। अभी आम को अच्छा सा रस निकाल चुकी हूँ। आप देख के बिल्कुल इस तरह निकालना है। अभी हमें इसमें खाली आम को रसाला मैंगो ही लेना चाहिए। जब भी अपने स्किन को ऊपर अप्लाई करने से ज़्यादा इफेक्टिव है तो हमें रसाला मैंगो को अच्छे से जूस निकाल चुकी हूँ मैंने। को अच्छे से मिलाना चाहिए क्योंकि मैंगो में हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी रहता है, उसमें विटामिन ई रहता है। इससे भी अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है इम्प्रूव होता है। ये अपना स्किन के ऊपर मैंगो फेस पैक स्किन के ऊपर एंटी टैन, एंटी ब्लेमिशेस को दूर करता है और स्किन को सनबर्न, सन रैशेस को, सन डैमेज को दूर करता है। और ये अपना स्किन को इंस्टेंटली ग्लोइंग बना देती है मैंगो। और इससे अपना स्किन जो है, स्किन का जो टेक्स्चर है वो भी अच्छा रहेगा। स्किन का सारे प्रॉब्लम्स दूर होता है मैंगो से। मैंगो में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स रहता है और ये अपना स्किन के लिए भी अच्छा है। मैंगो फ्रूट में हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है। ये अपना स्किन को हाईली न्यूट्रिएंट्स देता है। इस मैंगो में हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी, विटामिन ई रहता है। इससे अपना स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी बढ़ता है। ये अपना स्किन बॉडी को विटामिन ई देता है। ये अपना बॉडी के अंदर काफ़ी बैक्टीरिया को दूर करती हैं और मैंगो अपना विटामिन सी अपना स्किन को सेल्फली रिपेयर करता है। और मैंगो मड मास्क में काफ़ी बेनिफिट्स है। ये अपना स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल्स को दूर करता है, स्किन को टैनिंग को भी हटाता है। और इसमें हमें ऐड करना है एक चम्मच चीनी। तो मैंगो का जूस में एक चम्मच चीनी ऐड करना है। एक्चुअली ये खाने के लिए इन्हें, स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा मदद करता है क्योंकि इसमें चीनी अपना स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि चीनी अपने स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन को कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन टोन की बढ़ाता है। चीनी अपना स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल्स को दूर करता है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाता है। ये मैंगो पैक स्किन का सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अभी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको चेहरे के ऊपर अच्छे से अप्लाई करके इसका अमेजिंग रिजल्ट्स मैंने दिखाऊंगी। अभी इसको, ये मैंगो पैक को मैं चेहरे के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के पहले अपना चेहरे को साफ रख लेना है। जब भी ये अच्छे से काम करेगा चेहरे के ऊपर, क्योंकि ये मैंगो पैक जो है ये अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन को बढ़ा देती है और स्किन के ऊपर सारे एक्नी को, ब्लेमिशेस को दूर करती है। मैंगो का सीज़न गर्मी का मौसम में ही आता है तो इस समर में मैंगो को इस तरह अपने चेहरे के ऊपर सिंपली इस तरह चीनी ऐड करके स्क्रब करने से अपना चेहरे के ऊपर जो टैन जो है वो दूर होता है और ये और अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी बढ़ते रहेगा और स्किन भी बहुत सॉफ्ट दिखने लगेंगे। अब मैंगो जूस इस्तेमाल करने से अपना स्किन का टेक्सचर भी है वो भी अच्छा रहता है और स्किन के सारे प्रॉब्लम्स भी दूर होते रहेगा। इसको अच्छा सा ऑल ओवर फेस और गले के ऊपर अप्लाई करना है। मैंगो अपना स्किन को ग्लोइंग बना देती है। ग्लोइंग और एंगर बनाने के लिए इस मैंगो फेस पैक काफ़ी अच्छा मदद करता है क्योंकि ये मैंगो पैक जो है ये एंटी एजिंग मास्क जैसा काम करता है। इससे अपना स्किन का टोन बढ़ता है और स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है, स्किन के सारे प्रॉब्लम्स भी दूर करती है इस मैंगो पैक। और इससे अपना फेस जो है बहुत गोरा होने लगेंगे। इसको ऑल ओवर फेस को इस तरह आप अप्लाई करना है
क्योंकि इससे मैंगो में हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए सी रहने की वजह से अपना स्किन का टेक्सचर जो है जल्दी से जल्दी बढ़ता है। और आप समर में कहीं पार्टी बाहर फंक्शन जाने के पहले इस पैक को बिल्कुल इस तरह तैयार करके अप्लाई करने से स्किन जो है तुरंत गोरा होगा और स्किन का जो टेक्सचर है वो भी बढ़ते रहेगा और स्किन टोन भी इम्प्रूव होते रहेगा। इंस्टेंटली चेहरे को भी ग्लोइंग लेके आते हैं मैंगो पैक। अभी इसको मैं ऑल ओवर फेस को ऊपर गले के ऊपर अभी इसको ड्राई होने तक छोड़ के इसको वॉश करके रिजल्ट दिखाऊंगी। तो इस तरह इसको अच्छे से ऑल ओवर फेस और गले के ऊपर अप्लाई करके 10 मिनट रुकना है। 10 मिनट के बाद अपना चेहरे को वॉश करके देखने से चेहरे का जो है कालापन दूर होता है, चेहरे के सनबर्न भी दूर होते, चेहरा साफ और ग्लोइंग दिखने लगती है। इस पैक को गर्मी का मौसम में कहीं बाहर या फंक्शन जाने के पहले खाली आम का पल्प और चीनी ऐड करके चेहरे को अप्लाई करने से चेहरा जो है इंस्टेंटली गोरा होगा। और एक सिंपल है इंस्टेंटली, इसे कुछ ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करने का नहीं है, हर कोई इसको मेल फीमेल बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे स्किन जो है फ्रूटी फ्रूटी फेशियल लुक होता है और स्किन सॉफ्ट ग्लोइंग और सपल बना देती है इस नुस्खा। सो ये था प्रोसेस अपने स्किन को फेयर और एंगर बनाने का। सो अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इसके आंसर दूंगी। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।